बच्चों सोचियो कि तुम चार दो कट्ठे होते हो एक कन्नै एक जोड़ो ग्यारह बनते हैं तो कन्नै एक होर जोड़ो तो 111 बनते हैं। तो हर माँ की हर बच्चे की हर बाप की हर दादे की समझाओ अगर तुम अपने बच्चे का फ्यूचर अपने बच्चे का भविष्य बनाना तो आप पार्टी के कन्नै शाना बशाना होइए चलो और देश की बदलो इस सरकार की बदलो अगर तुम अपने बच्चे का भविष्य चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा नमस्कार। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी भारत माता की भारत माता की इंकलाब इंकलाब श्री अरविंद केजरीवाल जी श्री अरविंद केजरीवाल जी श्री प्रदीप मित्तल जी श्री मनीष सिन्हा जी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद मातृशक्ति जिंदाबाद मातृशक्ति जिंदाबाद। देखो अज सारियां भैणा कट्ठियां होईयां ने की वजह साढ़े इत्थे कट्ठे होए आ देखो अज सारे जिन्ने भी साड़ियां भैणां सारे यहां दुखी ने यह गल मनो कि नहीं तुसीं पिछले 70 साल दे साढ़े जम्मू कश्मीर से जेड़े भी लीडर आंदा जेड़ी पार्टी आंदी उस लुटदी है लुटदी है की दित्ता है तुसीं दसो मैनूं की दित्ता है हैं पहले कांग्रेस आई एनसी आई पीडीपी आई है ते हुण बीजेपी आई लोके बीजेपी मोदी होरें बड़ा अच्छा वोट छोड़ दिते कि इन्हें भी साढ़े लोगों बारे कुछ किया किया कुछ ऐसा महंगाई देखो कुछ चली महंगाई देखो कुछ चली है पेट्रोल डीजल खाने पीने वाली चीजा देखो कुछ चली गई तेल तुम जो लेने देखो कुछ चली है चार गुना ज्यादा महंगा हो गई है सब्जियां कोई पुछता नहीं है सब्जियां कोई पुछता नहीं है जानवर नहीं खाते सब्जियां अज सब्जियां देखो कुछ की चली गए तो मैं आखा देखो ना महंगाई कुछ चली गई है नौकरियां है नी नौकरियां है ही नहीं है कि दसो पिछले 12-15 साल की कोई नौकरी निकली है जेडे साढ़े भैन भरा बच्चियां पढ़ी पढ़ी मां प्यो किसी ने इंजीनियरिंग कराई किसी ने डॉक्टर कराए दा पोस्ट ग्रेजुएट देखो इन्ने पढ़े लिखे दे बच्चे जेडे न वो अज चपड़ासी की नौकरी वास्ते फार्म भरा दे किसी चपड़ासी का फार्म निकलता है उसे पोस्ट ग्रेजुएट फार्म भरते शर्म वाली गल है ये बड़ी बड़ी शर्म की गल है ये सरकार जी इतना राज करे करे जा रही है ना अब बीजेपी सेंटर में बैठी थी है अज कोई चपड़ासी की नौकरी निकलती है ये सारे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो भी जाइए फार्म भरते हैं कितनी बड़ी शर्म की गल है सोचो जिथे देखो एक चपड़ासी की नौकरी ये तो 10वीं वाले ने फार्म भरना है 11वीं वाले 12वीं वाले ने भरना है उसे पोस्ट ग्रेजुएट भरा रहे हैं देखो क्यों हो रहा है मेरा आखने का मतलब ये है कि दिल्ली अंदर एक अंदोलन चलेगा जी उसी आधे अन्ना आंदोलन दिल्ली अंदर एक अंदोलन चल रहा है उसी आधे अन्ना आंदोलन और उस अन्ना आंदोलन के पिछू पार्टी की हुई है उसे श्री अरविंद केजरीवाल जी उस प्रोटेस्ट में बैठे उतें साड़ियाँ कोई डिमांडा ही वो डिमांडियाँ नहीं मनी गई तो अरविंद केजरीवाल में लगे बई कि इं डिमांडा नहीं मनी उन्हें भी आख्या है कि बई कि जल्द तुम कोई अपनी डिमांडा मनानिया ना तो असैम्बली में बैठो ये रोड पर बैठिए नहीं डिमांडा मना अज देखो साढ़े कंट्रैक्चुअल लैक्चर या डेली पेजर या पी एच ई एन एच ये सारे जो बैठे थे प्रोटेस्ट करते इनकी कुछ सुना है क्यों नहीं सुना है ये साढ़े थोड़े अगर आम लोग ने बैठे रहे सवेरे शामी महीना 6 महीने साल बैठे रहते कोई कोई तो नहीं आती कुछ पुछ मंगनी है कोई नहीं आखिर जिन्हें मर्जी बैठे रहो सरकार इन बल्कि ध्यान ही दी है अगर इं लोग इं युवा पीढ़ी अगर अज असैम्बली में बैठी होंगी कि सरकार में बैठी होंगी अज ये अपना भविष्य फैसला भी करते तो लोगों का भी करते करते नहीं करते ये जी आम आदमी पार्टी जी सरकार बनाई जी आम आदमी पार्टी बनी है एक मजबूर जो मजलूम लोग गरीब लोग उनके वास्ते पार्टी बनाई गई है एक गरीब लोगों की मदद करने वास्ते पार्टी बनाई गई है एक राज करने वास्ते थोड़ी बनाई गई है
देखो जो दी आम आदमी पार्टी बनी दिल्ली अंदर लोगों की पार्टी का एक काम है कि लोगों की जी मूलभूत सुविधा उसी पूरा करना है। बस पार्टी का एको है कि जी आम इंसान की मूलभूत सुविधा उनके वाली पखे ध्यान देना है तो उनके मूलभूत सुविधा पूरा करनी है। बिजली पानी हेल्थ एजुकेशन एक मेन चीज़ा होंगे बंदे की चाहिए, बिजली चाहिए हर गरीब बंदे की, बिजली चाहिए चाहिए, पानी भी चाहिए, चंगा बंदा बीमार हो हेल्थ भी चाहिए है, बच्चे की पढ़ाने वास्ते एजुकेशन चाहिए चाहिए। तुम्हें ये चीज़ा मिली तो करना दूसरी पार्टी की करना ये चीज़ मिलता नहीं। दिल्ली अंदर इं हो अरविंद केजरीवाल बिजली पानी हेल्थ एजुकेशन दिता ये चीज़ा छोड़ो भैने की क्या दिता भैन जिथे मर्जी आन जान फ्री और की है जी भैन जिथे मर्जी दिल्ली तो जिथे मर्जी जाओ तो फ्री। इस तू बड़ी और एक बड़ी बड़ी गल है साढ़े जी बजुर्ग मावां जे साढ़े अंकल ने जो बजुर्ग ने बजुर्गे पास किया उन्हें चार धाम की यात्रा फ्री, चार धाम की यात्रा फ्री वो भी कहते एसी ट्रेन के खाना पीना फ्री डॉक्टर भी कहना दे के कोई चंगा बंदा हो गया और क्या लेना जी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये जी सर्विस आम आदमी पार्टी दिल्ली अंदर दे रही है एक जिसका एक घर एक बच्चा होता ना वह भी अपने माँ प्यो की सर्विस नहीं दिता जी एक सरकार एक आम जनता की दे रही है एक जनता की दे रही है ये चीज़ा सोचना तो बड़ी कोशिश की दिल्ली अंदर आम आदमी पार्टी हरियाणा की बीजेपी ने बड़ा भंडिया कांग्रेस ने बड़ा भंडिया तुम्हें पता होना दिल्ली अंदर है 70-67 सीटा लगी इं हो लगी कम किया ही लगी ना जल्द कम किया दूसरी बार इलेक्शन उन्हें आख्या जी हूँ नहीं स्टार्ट होनी होनी इन्हें जितन देना है उसे बीजेपी ने बड़ा स्टेट के एम पी एम एल ए सारे लगाए फिर भी है 70-72 सीटा लगी कम किया ये कम की लोग वोट देते हैं बीजेपी आखिया नहीं जी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये है जी केजरीवाल बड़ा कुछ आखिया ने साढ़े जे अरविंद केजरीवाल उन्हें इको गल आखी कि भाई अगर मैं काम किया तो मैं वोट दियो बस दूसरी गल ही उन्हें आखी मैं काम किया तो मैं वोट दियो तो अगर नहीं किया तो मैं नहीं दियो लोगों आख पखा बंद करिए वोट देना क्या वोट देना जी अगर तुम्हें मूलभूत सुविधा हाँ अगर तुम्हारा सरकार मूलभूत सुविधा पूरी करो तुम्हें क्या लैना दूसरी पार्टी को लैना अज कांग्रेस ने काम किया तुम्हें बीजेपी वाली गल पुछना अगर बीजेपी ने काम किया तो फिर आम आदमी पार्टी गल पुछना फिर ये पिछले 70 साल पिछले 70 साल दे सानू लुटते आ रहे ने साडा बेड़ा करके लड़िया साढ़े बच्चे ने बेड़ा करके लड़िया साढ़े बच्चे का भविष्य उन्हें बेड़ा करके उड़िया ना कोई नौकरी तो ना कुछ होर सोचो ना कितने जाना इंसान ने तो अब देखो ये जी अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली अंदर करा पंजाब वाले आके सानू भी इतनी सर्विस चाहिए देखो अच्छे देखिए उसे अकाली दे कांग्रेस उतर देखो तुम अपने वोट की ताकत पछाणनी हो अपने वोट तुम्हारी वोट की बड़ी वैल्यू है तुम्हें वोट की वह वैल्यू है पंजाब देखो पंजाब अज लोग की किया है उइयो आखदा पंजाब च देखो बड़े बड़े जो फंडे खान बड़े बड़े लीडर जनता ने उन्हें इं रवाई उड़िया एक छोटा जा जो एक वॉलंटियर अगर वो अगर उसकी टिकट पार्टी ने दी है उन्हें रवाई उड़िया कुछ हराया एक चन्नी की रवाई उड़िया पंजाब का सीएम उसी रवाई उड़िया और सिद्धू की रवाई उड़िया जो बड़ी गल्ला करता ये सारे की रवाई उड़िया जनता च बड़ी पावर होंगी तुम्हें वोट च बड़ी पावर होंगी मगर जेले इलेक्शन आंदा तो इसका डिसीजन है तुम्हें क्या कर रहे हैं सोची समझिए वोट पाना होंगे कदे नहीं पाना साढ़े वोट बिकते आए हैं रुपया 200 दिता तो वोट कड़क कितने कि 500 दिता तो चट दे 500 रुपये चल जान दे वोट उधर कोई साढ़े कोई भरा शरा थोड़ी बोतल घर कहना गया वोट उधर साढ़े वोट की इो वैल्यू है इो वैल्यू है अज तक ताइए अस लोग आ रहे हैं ताइए सा हाल है अगर ये चीज़ा करते रहे ताइए सा हाल है असें अपने आप इस बार असें अपने आप की मजबूत करना है सही बंदे की वोट देना सही सही पार्टी की वोट देना है अगर तुम चाहते हो कि आम आदमी पार्टी साढ़े जम्मू कश्मीर काम करे अगर तुम चाहते हो कि दिल्ली मॉडल आवे तो तुसें फिर आम ये साढ़िया भैनें वास्ते जरूर करेगी
तुम्हें नौकरियां देगी, बिजली देगी, पानी देगी, हेल्थ देगी, एजुकेशन देगी, सब कुछ देगी तुम्हें, मगर तुम आम आदमी पार्टी पर भरोसा रखना है। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जिहड़ा होगा उसी तुम्हें जिताना है। मेरा आखना मतलब यह है तुम आम आदमी पार्टी वाले पर दिखना है, जी सर्विस लैनी है। अगर चाहते हैं कि साड़ा भला हो, साढ़े भैने भैन का भला हो, तो फिर बच्चे अगर साढ़े बच्चे की जिंदगी चाहते हैं तो फिर तुम आम आदमी पार्टी वोट देना। बोल आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है, केजरीवाल जरूरी है, जो जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू, शुक्रिया। मैं अपनी वाणी की जान देना बंदे शलार हो रहे हैं, आखना थोड़े दो शब्द करो। मैं त्रै गल करूँ ज्यादा, मेरे को गले की कमी नहीं है, मजे मतलब कि चूड़ लाए तो सारे गल वो करूँ जी खाने वाली। साढ़े भाई साहब गल कर रहे थे कि बच्चे ने एम ए बी ए जिन्ना मर्जी कराई लो कोई नौकरी नहीं मिलू, तो जो ये भाई साहब गल कर रहे हैं तो माननीय जेडे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वो आपू आख रहे हैं, वो कि आख रहे आज वो नौकरी किसान का मुल महंगाई को पहले भी दो टके है, दो कौड़ी मुल है, अज भी दो कौड़ी मुल है। किसान बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है, किसान की कोई सुनवाई नहीं। टमाटर किन्ना 5 रुपए किलो, बाहर आ जाते 50 रुपए किलो, है नींबू किन्ना जी 350 रुपया किलो, तो किसान कोला किन्ना जा रहा है, इसी उगा दा कौन है नींबू की भाई, वो भैनो मिली हो उगा दा किसान, पानी कौन दे रहा किसान, गन्ना कौन उगा दा किसान, गन्ने का कीमत कौन क्वांटल की अस गल करिए तो गन्ना 100 रुपया क्वांटल, तो खंड किन्नी है जी 60 रुपए किलो, खंड किन्नी 60 रुपए किलो, गुड़ किन्ना 60 रुपए किलो, तो गन्ने का किन्ना जी 10 रुपए किलो बनी। अगर किसान का गन्ना 10 रुपए किलो चलिया तो किसान बड़ा खुशहाल हो गया, किसान अमीर हो गया, मगर किसान की वैल्यू पहले भी 2 कौड़ी ही अज भी 2 कौड़ी है। इस सरकार ने भलिया किसान का बेड़ा गर्क कर लिया, अज आटा 26 रुपए किलो है, आटा 26 रुपए किलो है, कणक 9 रुपए किलो कर दिया। वाहे दिन मीटिंग बुलाए लो, मैं तुम्हें वो नजारे दल जी कुछ नहीं सुनाई जी मेरे दिल अंदर, मैं ये दो गल आखी है अपनी वाणी की राम दे, और मैं सारे को माफी मंगो आखते हैं आखते हैं गल देख के दुनिया वाजा मार दी, भाई अरविंद केजरीवाल जैसा भाई नेता दुनिया वाजा मार दी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, गले गल देख के दुनिया वाजा मार दी, अरविंद केजरीवाल जैसा भाई नेता सानू मिलना नहीं मार दी, आदमी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आखिर असे मिलिए सारे, आखिर असे मिलिए सारे, आम आदमी पार्टी नू जताना है, आखिर असे मिलिए सारे, आम आदमी पार्टी नू जताना है। जय हिंद जय भारत। बड़ा अच्छा लग्या जी अज एक मातृशक्ति विच होने एक मौका मिला। मैं अपनी भैनी इयै गल सुना, अज मैं मातृशक्ति पर जी दो चार गल कर इंदे पर गल कर। साड़िया माता भैन रोटी बना दी ना, साड़िया अखा खुल दी,
अस की करने जो साड़ी माता भैन की करनी कि टमाटर खरीद दिए ना चार बारिश हो जाए इधरों भी कर दी इधरों भी कर दी टमाटर खराब तो नहीं है फिर जी सब्जी लेने पर पांच साल के बाद बोर्ड एक बार आता है पहले अस सोचिए नहीं पाते हैं अंगूठा अपना कटाई आ जाने क्यों अगर अस सब्जी दिखिया लेने रिश्ता दिखिया करने तो फिर अस लीडर जरा अपना वो दिखिए कि नहीं चुनते क्योंकि जेड़िया सारिया स्कीम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिखाई ने जी सारिया माता भैन ने मैं जी बैठ दूँ जी सारिया माता भैन इनके पास बहुत अच्छी स्कीम बनाई ने अज को सात्याल जाना ना मेटाडोर माता भैन बैठी जाना ना अच्छी नगर तक दिल्ली बच ऐसा सिस्टम है जी लेडी रिजर्व सीट है ना तो बंदा कोई नहीं बैठ सकता दिल्ली बच्चे जी सारी माता भैन उनके पास एक सीट अलग रिजर्व सीट है वो कोई बंदा नहीं बोलता पर साढ़े इतने बुरी हालत है अगर 70-75 साल के अस लोग वोट पा रहे हैं साढ़े बुजुर्ग भी पाते आए हैं अस भी पाते आ रहे हैं यार कदम अभी कोई सोचा नहीं है आप वोट तुम पा जा रहे हैं जी मेरी भैन आखा अगली बार वोट पाने ही नहीं है बड़ा सही बोला ही ये दिला बोला ही है पर मैं एक मिनट बिल्कुल साफ सुथरी गल करना पैना मैं एक सोशल वर्कर हूँ मैं 25 साल है लोगों को फ्री इलाज कराते किन्ने 25 साल तुम्हारे सात हजार कैंप इतने तो जाना कैंप घर जितने मैं दो मेडिकल कैंप लगाए इतने अखियाँ ऑपरेशन भी हुए कितने पत्ती भी हुए गुर्दे भी इतू है जो चरणदास पहुंची ही ना मैं दो कैंप लगाते मेरे को किन्ने दो कैंप और मैं लोगों ने जो ऑपरेशन फ्री करवाए अगर तुम चाहते अपने बच्चे का भविष्य अच्छा चाहते हो क्योंकि बच्चे का भविष्य कियां बनना एजुकेशन करना पढ़ाई कि करना ना जो सारे बच्चे को पढ़ाई भी नहीं तो तरक्की कि करनी है नौकरी तो पढ़ाई करना लगनी ना सू जब तक साढ़े को सुविधा नहीं है बस बस अगर साड़ी भैन तो बच्चियों को पढ़ने जल्दी है ना तो कुछ जल्दी पढ़ो कॉलेज बिठाने के परेटा जल्दी है ना अगर साढ़े माड़े बच्चे कॉलेज वो चंगा या परेटा का चंगा तुम्हें मैं तुम्हें वादा भी नहीं करता मेरा काम है गरंटी वाले मैं 2014 में भी इलेक्शन लड़ी है मेरे और इस बार फिर दोबारा आना मैं और सुनो मेरी गल पहना उस हॉस्पिटल की कोई परेशानी हो ये कार्ड बने ना मेरी फोन कर लेना 24 घंटे जो मर्जी फोन करो तहसीलर में कोई पैसे मंगता अज कोई भैन चाहती कोई बुजुर्ग कोई गरीब बेचारा कोई जिंदा ना तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाने की पेंशन करवानी है ना माड़ी जी तो इनकम सर्टिफिकेट लगता तो आते पहले 500 रुपया के बोझे पाओ तो फिर इनकम सर्टिफिकेट देना क्या वो सारे गुलाम ने जस अस उनके गुलाम हैं वो साढ़े जी अगर आप 5 रुपये गाची लेने ना पहले सापने लेंगे ना इतने 10 रुपये करिए ना वो भी टैक्स लेंगे ना वो टैक्स का पैसा साड़ी जेबे से जाता तो बाहर नहीं जाता है और अज ऐसा सिस्टम हो गया साड़ी माता भैन खास करी मैं ग्राईं लोगों वास्ते अपने वास्ते आखना साढ़े ग्राईं लोगों वास्ते किसा लीडर ने अज तक किसी ने पूछा शहरों में 10-10 बारी लुक पी जी है तो साड़ी नालियाँ जो है मशरूम वाले उल चिकड़ चला है जो स्कूलें मारी जानी है सारे बच्चे जो बुरी बुरी हालत होती है माता भैन वास्ते कोई और इन्नी बुरी हालत है और तुम्हें पता है ये भी मैं तुम्हें एक नीचे गल सुना जो नरेगा स्कीम चलिए ना नरेगा बच्चे इन्ना पैसा कमाया इन्हें लीडर तो सोच ही नहीं सकते हैं गरीबा की पैसे अगर तुम बनी हो ना और इधर जाना तो पैसे थोड़े अकाउंट से मेरी फ्लैक्स बनी है तो थोड़े अकाउंट से पैसे जा रहे जिस पर बड़ी चोर बजारी कही है क्यों ये इसी चोर बजारी आखते हैं एक सरपंच बनी जाता वो आखिर मैं तुम्हें नरेगा कार्ड बने नहीं तो नरेगा कार्ड जो बनी जाते ना उन्हें कार्ड अपने बोझे पा देते हैं फिर उन्हें आखिर भाई गल सुन चल आप चलिए कार्ड नहीं बना गए इस वास्तव में अपील कर रहे हैं आम आदमी पार्टी समर्थन करो आम आदमी पार्टी साथ दो ये कहना है सारे बच्चे भविष्य बन जाओ इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद पैपलेट सारे दिखते हैं यार जेडी पैन ज्वाइन करना चाहती है पार्टी ओ आओ दे उन्हें ज्वाइन करवा चलो
नहीं भाभी है मेरे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और ये सारी कहां आ गई? सारे आ जाओ पीछे पीछे जाओ घर पे। पीयूष पर हो खड़ो और भी बहुत अच्छी बहुत अच्छी चावल चावल जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।